गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज का ये जो व्लॉग है पिद्दी सा है, पर यस, हमारी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट के साथ। आज हम ब्रेकफास्ट में अंडे एंड ब्रेड खाने वाले हैं। ये हिम्मत की फेवरेट बंस है, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, पर पाव भाजी के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। सो हम कुछ नॉट कुछ दो एग क्रैक करेंगे एंड प्यारा सा थिन सा ऑमलेट बनाएंगे, उसको सर्व करेंगे ये ब्यूटीफुल डिनर रोल्स के साथ, जैसे पाव भाजी वाले पाव होते हैं वैसे। सो हिम्मत बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसको ये बहुत पसंद है ये बंस। So Himmat's happy eating his breakfast. Mama's happy. It's all behind you. Mirage of agua, the stars above you, the creatures days to nocturnal days makes you forget. So husband ke liye to banane wali hu main egg, par usme hum thodi si vegetables add karenge, like onion, green chili, tomato, is around ka pyara sa omelet banayenge. प्यारा सा ऑमलेट बन के रेडी है। हस्बैंड वैसे ये ब्रेड नहीं खाना चाहते थे, पर मैंने एक दे दी क्योंकि बहुत फ्रेश एंड बहुत सॉफ्ट एंड बहुत मज़ेदार थी। सो हम ज़बरदस्ती पति को कार्ब्स फीड कर देते हैं। और आपने मेरी इंडियन ग्रॉसरी हॉल में देखा, हम ये मैंगोज लेके आए। इनके इनमें खुशबू तो नहीं है, पर इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार है और बहुत मीठे हैं। हर एक आम एक से एक मीठा है, बहुत मज़ेदार। सो मैंने हस्बैंड को थोड़े फ्रूट्स भी दे दिए हैं उनके ऑमलेट एंड ब्रेड के साथ। मैं मेरे लिए परांठी बनाने वाली हूँ। मेरे कल के बचे हुए टिंडे पड़े हैं, जिनको देख के मुझे लगा कि यार मैं एक रोटी खा लेती हूँ। सो उसके बाद हम रवाना हो चुके हैं। आज हस्बैंड की वैक्सीन होने वाली है। यस, हस्बैंड की वैक्सीन हमने पहले करवाई है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग हैं कॉस्को में, वो इसलिए क्योंकि आज हस्बैंड की वैक्सीन होने वाली है। वैसे तो हमारी अपॉइंटमेंट 7 जून की थी दोनों की। सो हस्बैंड को वेटिंग लिस्ट में से एक नंबर मिल गया। सो मैंने सोचा कि अच्छा है कि हस्बैंड पहले लगा ले, एक साथ लगा के दोनों ही सेम सिम्टम्स को डील करेंगे। सो इससे अच्छा है कि हस्बैंड की पहले हो जाए फिर मेरी हो जाए। सो या इसलिए हम आए हैं कॉस्को। सो आई एम नॉट श्योर कि हम देख पाएंगे या नहीं, कोशिश तो है कि देख पाएं। आर यू एक्साइटेड फॉर योर वैक्सीन? नो। नो, व्हाई नॉट? यू आर लाइफ गोना बी नॉर्मल सून? No, it's not. There is there. Mimi is here to check on creepy daddy. They closed the door. Daddy, open the door for that guy. Because we are making video, they say no videos allowed. तो गाइस उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। ओके गाइस, तो हस्बैंड की वैक्सीन लग रही है, हम वहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा था पीठ पर कमर डालो चले जाओ एंड डोर भी बंद कर दिया। तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी 15 मिनट हस्बैंड को उस एरिया में बैठना पड़ेगा। सो यस, हम यहीं पे बैठे। उन्होंने दरवाजा बंद करता क्यों? पहले बंद लेनी की तो नहीं। सो फिलहाल हम है गैस स्टेशन पे। हस्बैंड अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहे हैं और अब हमारा प्लान है कि पिकनिक मनाए, पर ज्यादा वॉक नहीं करनी, पानी के पास कहीं पे बैठ के। और हम थोड़ा फूड तो लेके आए हैं घर से, पर हमारे पास ड्रिंक्स नहीं है।
तो हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड्स ड्रिंक्स पिक करने के लिए, आइस कॉफी। मीमी पिक कर रहा है लेमनेड, एंड अभी मीमी डाउनस्टेयर चला गया, उसे बुलाते हैं। हिम्मत कम बैक। ओह माय गॉड, आई हेट यू। थैंक यू सो मच। यू टू। पता नहीं ये स्टोर कब खुलेंगे। ओके, सो आज हमने अनदर फॉल ढूंढ लिया है। ये वाला फॉल है एनकैस्टर में, एंड तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और मज़ेदार है। पर यहाँ पे पिकनिक वाला कोई एरिया नहीं है, सो हम पार्किंग एरिया में पिकनिक बना के आए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्पॉट मिल गया है पिकनिक बनाने के लिए। मैं बनाना खाने वाली हूँ। वैसे हस्बैंड कुरकुरे खाएंगे क्योंकि हस्बैंड अनहेल्दी खाते हैं, चंगा खाना तो इनको चंगा ही नहीं लगता है। सो इतना अच्छा ये स्पॉट है, हम सोच रहे हैं, और मौसम भी इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठंड नहीं है, और हमने सोचा कि आज हम रात तक अच्छे रहेंगे। अगर आपको याद नहीं है, डैडी की वैक्सीन होगी आज। And we remove daddy's TP. Got too overwhelming, so I started running. It stopped being fun and making myself numb isn't helping. I got to learn to deal with the way I feel. If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. Things are getting crazy, lately I'm in hazy. Oh, and I've been praying someone will come and save me. The birds are flying south, I'm frozen in my doubt. Got no way to go from here, so I'll stick around. Just for a moment, I can put this down. Baby, just but we are not going. Okay guys, picnic ke baad hum grocery karne ke liye gaye again se Walmart, aur humne se kaha hum Costco bhi ja rahe hain, bichara tadaf gaya. Aur hum actually Longo's ja rahe hain ab. ना बूट उतार के बैठ जाता है गाड़ी में आराम ना कोजी बन के, और बेचारा पहन रहा है, पर हम जा रहे हैं। सॉरी बुग्गी, एक मिनट जाना बस। तो हमने लॉन्गोस से सामान पिकअप कर लिया है, हमें बेकरी गुड्स नहीं मिली और हमें बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, और हम इसे चिढ़ा रहे थे कि इसके बाद हमें जाना है सोबीज, वॉलमार्ट एक बार फिर से जाना पड़ेगा और कॉस्को भी। कहना कि गाइस बस करो, प्लीज टेक मी होम। सो बेचारे ने बहुत सारे पेशेंस रखे हमारे साथ, तो अब हम इसे चिकन पॉपकॉर्न लेके दे रहे हैं KFC से। उसके बाद हम घर जाएंगे, मेरे पास लेफ्ट ओवर सब्जी है कल की, मैं उसके साथ रोटी खाऊंगी एंड पति रोटी स्किप करेंगे। सो यार गाइस, यही है हमारी अपडेट फिलहाल के लिए। और घूम घूम के एंड गर्मी बार इदा वहीं तो कमले हो गए, ऐसे लग रहा है कि हम किसी शादी है घर में और उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। You know, I'm a fan of chicken and popcorn, but if we put it together, no, chicken popcorn is what went in it, and that's why I like it. I just want to kick this door and go in and get this. ओके, जो हस्बैंड ने ऑर्डर प्लेस किया उनके पास है नहीं, उन्होंने कोई ब्रेड नहीं है, उन्होंने कोई बुलावला नहीं है, सैंडविच नहीं है। एक KFC वाले ना हमेशा रोना रहता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, सो दिस इज एडिटिंग मी। उस दिन मैंने वीडियो की आउटरो नहीं की बहुत बार की तरह। आई होप आपने पिद्दे से व्लॉग एंजॉय किया होगा। यस, उस दिन हमने घर में आके मैंने फिर से रोटी खाई थी एक फुल्का टिंडे के साथ। टिंडे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और फाइनली हमारे टिंडे खत्म हो गए जो हमने कल बनाए थे। सो यस, मैं मिलूंगी आपको नए व्लॉग में जल्दी ही इस कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन।
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये व्लॉग आपने पहली बार देखा है या आप पहले से भी मुझे देख रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेल को भी क्लिक करना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ मैं वहाँ पर एक्टिव ही रहती हूँ। That's it. I love you guys very, very, very much. Bye.